अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान। तो जानते हैं आज की अहम और बड़ी रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईद का पहला रोज़ है। आज पाकिस्तान भर में बड़े जोश जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है, लेकिन इस पर ऐलान आया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो कहते हैं कि आज बिल्कुल ईद का ऐलान गलत हुआ है, आज रोज़ा होना चाहिए था। आज का रोज़ा हमारा कज़ा हो गया है, इस लिहाज से हमें जुमे के रोज़ रोज़ा रखना चाहिए ताकि हमारे रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े मुकम्मल हो जाएं। उनका कहना है कि रमज़ान मुबारक को जल्द इख्तिताम करने के सिलसिले में हमारा एक रोज़ा कज़ा करवा दिया, जबकि ईद कल होनी चाहिए थी और आज रोज़ा होना था, क्योंकि चांद की पैदाइश और उस लिहाज से हमारा रोज़ा आज का बाकी था। तो आज आपको एक तहलका मचा देने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक सारिफ ने छत पर जाकर तस्वीर खींची है और ये तस्वीर भेजी है, और हमें पता चला है कि चांद तो आज नज़र आया है, यानी चांद की पैदाइश तो आज हुई है। तो कहीं कहीं हमें रोयते हिलाल कमेटी के इस ऐलान पर शक हो रहा है कि रोयते हिलाल कमेटी ने यह गलत फ़ैसला किया है कि आज ईद बना डाली, जबकि हमारी ईद तो कल बननी थी। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये चांद की तस्वीर देख सकते होंगे। आपको बताएं कि यह तस्वीर अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है कि चांद तो नज़र आया ही नहीं था, जबकि आज हमारी तो ईद बना डाली। चांद तो आज नज़र आ रहा है, आज तो हमारा 30वां रोज़ा होना था, तो कल हमने ईद मनानी थी। इस लिहाज से पाकिस्तान रोयते हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया है कि हम सब कल जुमे के रोज़ कज़ा रोज़ा रखेंगे, जो कि हमारा इन्होंने रोज़ा नहीं रखने दिया। और इसी के साथ फवाद चौधरी ने महकमा मौसमियात ने भी पहले ऐलान कर दिया था कि चांद नज़र आने का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन जो कि मौलाना कबीर आज़ाद हैं, उन्होंने तवील 5 घंटे का इजलास किया और उसके बाद 11:30 पर ऐलान कर दिया कि चांद नज़र आ चुका है। लेकिन ज़राए का पहले ऐलान सामने आ रहा था कि चांद नज़र नहीं आया। ये चांद सही नज़र आया है या नहीं, ये हम फैसला अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर यह बताएंगे कि चांद सही देखा गया या नहीं। इसी के साथ हमने आज आपको रखा अहम और बड़ी रिपोर्ट के साथ बाखबर। जानने के लिए इस तरह की लेटेस्ट और बड़ी खबरें चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि सबसे पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया।